Hi friends, we are going to solve these questions. A cloth is being sold at Rs. 42/1 per meter. So what is the cost of 5/3/5 meter of this cloth? मतलब आपका एक क्लॉथ है, उसको क्या किया जा रहा है, तो 42/1/4 per meter बेचा जा रहा है। मतलब एक मीटर क्लॉथ का दाम आपका 42/1/2 rupees है, इतना रुपीज़ है। तो पूछ रहा है, तो बताओ एक मीटर क्लॉथ का दाम इतना रुपया है, तो इतना 5/3/5 meter क्लॉथ का दाम कितना रुपया होगा। देन सिंपली एक मीटर क्लॉथ दाम इतना, तो 5 meter मान लो 5/3 इतना मीटर का दाम कितना हो जाएगा। देन सिंपली इसको इसको मल्टीप्लाई कर दोगे, ठीक है। तो देखियो आपका, तो आपका कॉस्ट ऑफ 1 meter क्लॉथ, एक मीटर क्लॉथ का दाम है आपका 42/1/2 meter, 1/2 ये रुपीज है ना जी, इतना रुपीज है। तो दिन देखो, तो आपका 4 × 2 = 4 और 2 × 4 = 4 × 8, तो आपका कितना 84 = 85 by 2 rupees हुआ, इतना ये रुपीज हुआ एक मीटर का दाम। तो आपको पूछ रहा है कॉस्ट ऑफ 5/3/5 meter क्लॉथ, तो इतना क्लॉथ का दाम कितना होगा, तो 85/2 × 5/3/5 से मल्टीप्लाई कर दो, इतना। मतलब एक मीटर क्लॉथ का दाम इतना है, तो 5/3/5 meter क्लॉथ का दाम कितना होगा, सिंपली मल्टीप्लाई ही नहीं होगा, ठीक है। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो देखो मैं एक बार और समझा दे रहा हूँ कि मतलब एक मीटर कॉस्ट का दाम, एक मीटर क्लॉथ का दाम आपको 42/1/2 है, तो 5/3/2 meter क्लॉथ दाम कितना होगा, देन सिंपली मल्टीप्लाई होगा। तो देखो 85/2 × 25 × 3 = 28/5, ओके भाई 17 × 5 = 85 एंड देन ये 14 × 2 = 28, तो आपका देखो 17 × 14, ठीक है। जब 17 से 14 मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आएगा 238, ठीक है 238 आएगा, 238 रुपया, मतलब 238 रुपया आया, कितना, अगर 5/3/5 meter क्लॉथ ले रहे तो वह किसके अकॉर्डिंग, मतलब अगर एक मीटर क्लॉथ का दाम आपका 42/1/2 है, तो देन 5/3/5 meter क्लॉथ का दाम होगा 238 रुपया होगा। तो प्लीज़ दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब प्लीज़ ज़रूर करें। थैंक यू।